क्योंकि मेरे पहले नौकरी थी और इसको मैंने करेक्ट करा है और विद इन 30 दिन के। ओके सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिन भी लोगों का फिजिकल आने वाला है और फिजिकल के बाद होगा मेडिकल। अब मेडिकल के अंदर एक बहुत ही तगड़ा पॉइंट होता है जिसे कहते हैं नोकनी। अब नोकनी क्या होता है पहले मैं ये बताता हूँ आपको। सो नोकनी वो होता है जब आप जैसे स्टैंडिंग पोजिशन में आते हो अपनी सावधान में, तो आपकी नीज दोनों है ना आपस में टकराती है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि इन फ्यूचर में अगर आपको वो लेते हैं सो आप जैसे रनिंग नहीं कर पाओगे और आप गिर जाओगे। सो दिस इज अ मेजर पॉइंट टू रिजेक्ट इन मेडिकल। सो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, कुछ 5 एक्सरसाइज बताऊंगा, ठीक है। अब पहले इस बात करते हैं कि ये होता क्यों है, ठीक है। पहली बात, ये किसी की भी हो सकता है। अगर आप जैसे काफी जीन्स पहनते हो, काफी टाइट टाइट जीन्स, तो उस वजह से भी ये नोकनी हो सकती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है ना, ये नीज की प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी भाई को लगता है कि मेरे नीज में कोई दिक्कत है, उसकी प्रॉब्लम है ही नहीं। इसके ना 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। पहला मेन पॉइंट होता है आपका, वो होता है आपका फैट, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ ज्यादा ही फैट, जैसे कुछ ज्यादा मोटे लोग हो जाते हैं ना, तो उनके यहाँ पे फैट की वजह से आपस में टांगे टकराती हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ नोकनी। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि आपके जो हिप फ्लेक्सर्स होते हैं, ठीक है, जैसे जो आपकी बोल्स होती है वो इनवर्ड की तरफ थोड़ी रोटेट हो जाती है, उस वजह से आपकी टांगे ऐसे हो जाती है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके ऊपर से ही ऐसे होगा तो नोकनी आपकी होगी, ठीक है। तीसरा जो मेजर पॉइंट होता है वो आता है आपका एंकल पे, ठीक है, या फिर आपके एंकल में डिफेक्ट है या फिर आपकी हिप बोन के अंदर डिफेक्ट है, इस वजह से आपके नोकनी है, ठीक है। इसको करेक्ट कैसे करा जा सकता है, देखो पहला अगर आपका जैसा मोटापा है तो आप इसको कम कर लो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, फैट लेयर कम होगी तो इसके बीच में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे आप देखो, जैसे अगर मैं नॉर्मल खड़ा हो रहा हूँ, सो ना गैप मेरे अंदर इस दोनों टांगों के बीच में ना तो बहुत ज्यादा गैप है ना बहुत कम गैप है, इट्स सफिशियंट, आराम से क्लियर हो रहा है, ठीक है। और मैं शूज निकाल के बता दूंगा, मैं सीपीओ का फिजिकल भी दे रहा है और मेडिकल भी दे रहा है। मेडिकल के अंदर मेरे को कोई इश्यू नहीं आया था नोकनी के अंदर, सो आप इस चीज़ की गारंटी रखें। और हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पहले नोकनी थी और इसको मैंने करेक्ट करा है और विद इन 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, हाँ सिर्फ 30 दिन दे दो आप मेरे को, आपकी नोकनी मैं ठीक करके बताऊंगा, ठीक है। अगर आप रोज अपने दिन के 2 घंटे अगर खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, सो आपकी नोकनी करेक्ट हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आपको ये 5 एक्सरसाइज करनी है और कंटिन्यूअसली करनी है, रोज सुबह शाम। दर्द होगा अब मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ अगर पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। सफरिंग तो होगी ही, बट आपको रजिस्ट करना है और आपको ओवरकम करना है उसको, ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज के बारे में हम बात करने वाले। देखो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी रनिंग, ठीक है। रनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी भाई ठीक करना चाहता है ना इसको, तो वो रनिंग स्टार्ट कर दे, ठीक है। अगर आप थोड़ा मोटापा है तो आप है ना एक लंबी मैराथन स्टार्ट कर दे, ठीक है, 15-20 किलोमीटर की, लेकिन स्टार्टिंग से ना जाए, इससे पहले आप 3 किलोमीटर, फिर 5, फिर 10, फिर 15, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा और आपकी जो ओबेसिटी वाली दिक्कत है लेग्स की, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। दूसरी चीज़ क्या है आपकी, दूसरी चीज़ मैंने बताया कि आपकी जैसे हिप फ्लेक्सर वाली चीज़, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी मैं बहुत सारी एक्सरसाइज बताऊंगा, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज आपकी रनिंग होगी, रनिंग जैसे ही आपकी कंप्लीट हुई तो आपकी बॉडी कंप्लीटली वॉर्म है, ठीक है। ये है ना, मैं पहले ही आपको जैसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप रनिंग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज डू नॉट परफॉर्म दिस एक्सरसाइज एट योर होम, क्योंकि इससे पहले आपकी बॉडी को गर्म होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रनिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, कि भाई बारिश हो रही है, भाई ट्रैक नहीं है, फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, तो आप सिंपली क्या करें कि 15 मिनट तक स्कीपिंग वॉक कर ले, ठीक है, या फिर स्कीपिंग भी नहीं कर सकते तो भाई तुम 20 मिनट तक कूद लो बस खड़े खड़े, ठीक है। इससे आपकी बॉडी बढ़िया से गर्म हो जाएगी और आप रेडी हो जाओगे अपने एक्सरसाइज करने के लिए। तो पहले एक्सरसाइज है आपकी रनिंग, ठीक है, वार्म अप करने के लिए, रनिंग नहीं है तो स्कीपिंग नो, या फिर आप नॉर्मल कूद लो, ठीक है, बॉडी गर्म होगी आपकी, आप करना है आपकी पहले एक्सरसाइज, ठीक है, आप देख सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज क्या है हमारी, ठीक है, जैसे कि आपको पैरों को पूरा खोलना है, ठीक है, अब क्या करना है आपको, अल्टरनेट पैरों के ऊपर बैठना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के आपको 4 सेट लगाने हैं 15-20 रेपिटेशन के अंदर। मैं बताता हूँ, अपने हाथों को आगे तरफ कर लो ताकि आपका बैलेंस बन जाए। अब देखो इसको ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करना है और इसको स्ट्रेट रख के इसके ऊपर बैठ जाना है, ठीक है। इसका जो टो रहेगा वो अपवर्ड की तरफ पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे फास्ट फास्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सही होगी आपकी, होगी सही होगी आपकी सेकेंड एक्सरसाइज। अब थर्ड एक्सरसाइज के बारे में बात करें, सो वो होती है आपकी सिंपली स्क्वाट्स, लेकिन ये डिफरेंट स्क्वाट्स है। इसमें क्या करोगे, आप दोनों अपने हील को टच कर लोगे, टोज आउटवर्ड की तरफ करोगे। अब देखो ये आप दिख रहा है इसको, अब क्या करो, जैसे आप कोई डंडा ले लो, ये मैं वैसे ले रहा हूँ अभी दिखाने के लिए वीडियो में, आप है ना कोई फिक्स पोल को पकड़ो,
तो पहले से फिक्स हो, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, नोक नी के लिए, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ लो डंडे को ताकि आपकी बैठने में मदद करे। अब पूरा आपको नीचे जाना है, पूरा ऊपर आना है, और देखो जैसे देखो मैं इसको अगर पूरा बॉडी वेट नहीं डाल पा रहा इस पर, तो इस वजह से ना थोड़ी मेरी जो हील्स है वो उठ रही है, ये आपकी उठनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको आप प्रॉपर वे में पकड़ो और नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इसके आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं 25 रेपिटेशन के साथ, ठीक है। पहली एक्सरसाइज आपको बता दी है रनिंग जंपिंग वार्म अप के लिए, दूसरी एक्सरसाइज मैंने बता दी है कि आपको जो वो साइड वाली स्क्वाट्स, थर्ड एक्सरसाइज है आपकी ये। अब बात करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की, फोर्थ एक्सरसाइज सुमो स्क्वाट्स से आती है। जैसे आपकी जो शोल्डर है इससे थोड़ा वाइड खोलो, पैरों को खोल लिया, अब बिल्कुल सुमो वाली पोजिशन में सुमो करते हैं। अब क्या करना है, अपनी कोहनियों को अपने नी पर रखो और इनको इनसे आउटवर्ड पुश करो, यूं पूरा प्रेशर लगा दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो हिप मसल है और जो बॉल सॉकेट जॉइंट होता है आपका, अगर वो इनवर्ड की तरफ थोड़ा मोड़ा होगा तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो इससे आपका एंगल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जिस भाई की जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है और मेडिकल के लिए ठीक करना वाला है, तो भाई स्किनी जींस पहनना बंद कर दो, लूज लूज कपड़े पहनो, निक्कर पहनो, ठीक है। इसको आउटवर्ड पुश करो और स्टैटिक होल्ड रखो, 4 सेट करना है इसको, ठीक है, 4 नहीं 6 सेट करो इसको तुम, 30-30 सेकंड होल्ड रखो, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा 30 सेकंड होल्ड करना, तो आप 15-20 सेकंड से स्टार्ट करो, 30 तक एक्सटेंड करो, ठीक है। 4 सेट ही कर लो स्टार्टिंग में, बाद में एक्सटेंड कर देना। अब लास्ट एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आपको कंटिन्यूसली करना ही करना है। और हाँ, इसके बाद मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो मैंने खुद ने ही डेवलप करी है, और वो भाई साहब रामबाण हुई मेरे सामने, क्योंकि आपको वो एक्सरसाइज कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भाई एक्सरसाइज ही मैंने बनाई है, ठीक है। सो देखो जो लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है, ठीक है, वो है बटरफ्लाई। आपको अपनी हील्स को बिल्कुल इस पोजिशन में बैठ जाना है, तो उसको पकड़ लेना है बिल्कुल पीछे की तरफ, और जैसे बटरफ्लाई करती है ऐसे, ठीक है। आपको इसके 4 सेट लगाने हैं और कम से कम 1 से 2 मिनट तक, ठीक है। मैं तो अभी कहूँगा कि आपको जल्दी ठीक करना है तो 2 मिनट तक करें ही करें, ठीक है। एक्सरसाइज को अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपके पैरों में दर्द होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर आपको अपनी नौकरी को ठीक करना है तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा, ठीक है। सो लास्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, उसके लिए आपको चाहिए एक पिलो, ठीक है। सो मैं पिलो लिख, ओके, सो लास्ट ट्रिक के लिए हमें चाहिए एक पिलो, और ये पिलो आपकी मदद करेगा आपकी जो लेग पोजिशन है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जैसे देखो आपने सुना है कि जो बैम्बू से अगर जो फर्नीचर बनता है वो कैसे बनता है, बैम्बू से फर्नीचर बनाने के लिए क्या करते हैं, वो बैम्बू को जैसे थोड़ा सा कच्चा सा होता है उसको वो थोड़ा गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको मोल्ड करके रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उसको छोड़ते हैं ना तो वो उसी शेप को रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। यही थ्योरी मैंने लगाई है थोड़ी बहुत, तो अपनी बॉडी को ढंग से गर्म कर लो। अब ये फायर एक्सरसाइज कर ली ना, अब तुम्हारी बॉडी गर्म है, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम इसको अपनी प्रेफरेबल पोजिशन में होल्ड करोगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक। मैं तो भाई 5-5, 10-10 मिनट तक होल्ड कर सकता था, ठीक है। अब देखो कैसे चेक होगी तुम्हारी नौकनी, पहली बात जैसे कि आप किसी भी मेडिकल में जाओगे तो आपकी नौकनी कैसे चेक होगी, वो आपको कहेंगे जूते निकाल दो, ठीक है। आप नॉर्मल अंडरवेयर में रहोगे, ऊपर भी कुछ नहीं पहना नीचे भी कुछ नहीं पहना, ठीक है। वो कहेंगे भाई खड़ा हो जा, वो कहेंगे दोनों एडी मिलाएंगे, ठीक है। और वो फिर देखेंगे, ठीक है, वो क्या देख रहे हैं कि इन दोनों बीच में गैप है या नहीं है। अब देखो गैप कैसे क्रिएट कर सकते हो आप, जैसे ये सारी एक्सरसाइज तो आप कर ही रहे हो, इसके बाद क्या करो आप, जैसे कि देखो स्टार्टिंग में जब मैं था ना तो मेरे यहाँ ऐसे पैर रहते थे, ठीक है। अब इनको जैसे मैं एक दो एक स्टैंडिंग खड़े होने की भी तरीका होता है, जैसे देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मैं अपने नी से पीछे की तरफ पुश करूंगा, ठीक है, पीछे की तरफ पुश करूंगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे आप देख सकते हो, ये जो है इसको पीछे की तरफ, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ क्या है, आपको जब मैं पिलो का यूज़ करना बता रहा हूँ, इस पिलो को अपनी दोनों नीज के बीच में लेना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा फोल्ड कर ले और इनको ढंग से मिला लो एडी को, और इनको आउटवर्ड कर दो। अब देखो अगर मैं नॉर्मल ऐसे करूँगा ना तो मेरे गैप नहीं बन रहा, ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अगर टाइम अपनी पोजिशन होल्ड करता हूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। वो तुम्हें ना दो तीन मिनट तक के लिए खड़ा नहीं करेंगे, वो थोड़ी देर के लिए खड़ा करेंगे। तो तुम्हें ना उनको ट्रिक ऐसे करना है, देखो कि लोगों को ऐसे लगाओ और इसको ऐसे खड़ा करके खड़े हो बस, ठीक है। इस पोजिशन को होल्ड करो, ठीक है, धीरे धीरे क्या करो, इसको डबल कर लो दोनों नीज के बीच में, दो और दोनों नीज के बीच में दो और अपनी एडी को मिला लो, ठीक है, होल्ड। और अब टांगों को सीधा कर दो,
ठीक है, और ऐसी जगह पर ट्राई करो ताकि आपके जूते पिछले ना, ठीक है, एडी को मेंटेन रखो और थोड़ा सा आउटवर्ड बूस्ट करो, ठीक है। अब इस चीज को होल्ड कर लो तुम, अगर तुम्हारी नौकरी ठीक ना हो ना, तो मैं भी यही हूँ, 30 दिन रोज 1-1 घंटा सुबह शाम, और ये 5 एक्सरसाइज, और उसके बाद लास्ट में मास्टर एक्सरसाइज, ये 6 जो है स्टैटिक होल्ड आपका पिलो के साथ एक्सरसाइज है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं घर पे, और 100% आई एम श्योर कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही। मैं गारंटी लेता हूँ जो भाई जेन्युइन तरीके से इन 5 एक्सरसाइज और लास्ट में इस पिलो के साथ स्टैटिक होल्ड कम से कम 5 से 10 मिनट तक रोज सुबह शाम करेगा, उसके 30 दिन के अंदर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, आपको मेडिकल में सोचने की भी दिक्कत नहीं है कि आपका नौकरी का पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। मेरे को भी दिक्कत थी लेकिन मैंने सर एक्सरसाइज करी, और स्टैटिक होल्ड का फायदा ही हो जाएगा आपको लास्ट में, कि आप जब खड़े होंगे ना पूरा गैप बन जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल दैट टेक केयर। और हाँ, जिस फिजिकल होगा सीपीओ का, तो सीपीओ के फिजिकल के लिए भी एक मैं प्रॉपर एक वीडियो डालूंगा रिगार्डिंग रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और स्प्रिंट, ठीक है। तो सबके लिए वीडियो आएगी लगातार, उसी के लिए चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल दैट टेक केयर, लव यू ऑल।